नमस्ते, मैं सांची विधानसभा में मध्य प्रदेश की खड़ा हूं और ये ऐतिहासिक विधानसभा का इसलिए कि ये वो जगह है जिसने अटल जी को जिता के भेजा, जिसने सुषमा स्वराज जी को जिता के भेजा, जिसने रामनाथ गोयनका जी को जिता के भेजा। और इस विधानसभा के आप पंकज जी हैं, पंकज जी यहीं के मूल निवासी हैं और खेतियर हैं, ये लोग खेतियर हैं। और ये सीट जो है ये रिजर्व सीट है और इस सीट के बारे में एक इन्होंने अच्छा तथ्य बताया कि यहाँ डॉक्टर साहब ही लोग जीतते हैं, डॉक्टर साहब जीतते और हारते दोनों डॉक्टर साहब हैं। और डॉक्टर साहब MBBS डॉक्टर साहब, कोई हार्ट स्पेशलिस्ट है तो कोई, मतलब यहाँ पढ़े लिखे लोग ही इस क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं। हालांकि रिजर्व सीट है, ये जिस गांव में हम लोग आए हैं, जिस गांव से आए हैं वो मूल रूप से जाटों का गाँव है। और मैं पंकज जी, पहली चीज़ ये कि पिछली बार बहुत उथल पुथल हुआ, जो आपके विधायक जी थे वो पहले कांग्रेस से जीते, फिर वो सिंधिया जी के साथ BJP में चले गए, BJP के विधायक जी के पुत्र, मतलब वो इधर उधर हुआ है, इस बार की क्या स्थिति है? इस बार की स्थिति तो सामान्य स्थिति है और उसके बाद मतलब ये भाजपा का पहले से गढ़ है। इसमें जो अभी वर्तमान में उम्मीदवार है, प्रत्याशी हैं, डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी हैं और कल भी उनका नामांकन जैसा हुआ उसमें एक विशाल जनसमूह देखा गया। और कांग्रेस से ये पहले से भी मतलब उन्होंने काम करा है, इस बार भी पिछले 3 साल के अंदर, 2 साल कोविड के भी देखे जाएं, सरकार गिरने के बाद कोविड का भी मामला रहा, लेकिन जो 3 साल में परिवर्तन करा है उन्होंने वो ऐतिहासिक है। चौधरी साहब ने जो काम करके भारतीय जनता पार्टी के सौजन्य से काम हुए हैं उसमें चौधरी साहब का बड़ा अहम रोल रहा है, तो अभी भी उनके साथ लोग हैं जी। मैं पंकज जी एक और चीज बताते हैं जब इनसे बात करते हैं कि लोकल नेताओं में दो ही नेताओं की पकड़ है और जो कांग्रेस के प्रत्याशी आए हैं डॉक्टर गौतम जी, उनका कोई बहुत लोग जानते नहीं है। अब इनका कहना है कि जब हमारा दुख दर्द होगा, जब यहाँ के लोकल लोगों का होगा, तब तो भाई जो हमारा लोकल विधायक है वही काम आएगा, तो एक वो भी बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है, जो लोग कांग्रेस के मतलब अब वो है, दोस्त संबंध भी है उनसे, जो लोग कांग्रेस का काम कर रहे थे बेचारे, मतलब पिछले तीन साल से कांग्रेस को खड़ी करके रखे हुए थे, रायसेन में जो बची हुई कांग्रेस थी उसको जो खड़ी करके रखे थे, वो इनने गौतम जी के आने के बाद वो लोग बिल्कुल शून्य पे आ गए, निष्क्रिय हो गए। और कल जैसे कमलनाथ जी की सभा हुई उसमें किसी प्रकार का कोई उनको वो नहीं, कमलनाथ जी काफी नाराज होके गए उस सभा में जो कार्यक्रम करके गए, भीड़ जनता नहीं होने के कारण, वो लोग उनकी मजबूरी थी जो 3 साल से मेहनत प्रयास रखते और बाहर से उनने कैंडिडेट लाके एक मैदान में छोड़ दिया है, उनके संबंध नहीं है किसी प्रकार के, वो डॉक्टर हैं, डॉक्टर कर रहे थे, हॉस्पिटल चला रहे थे, तो उनका कहना है तो उनके पास लोग हो नहीं पा रहे। और एक बड़ी बात यह है कि ये लोग संपन्न किसान है, मैं संपन्न इसलिए बोल रहा हूँ कि लोग 3 फसल लेते हैं, गेहूं लेते हैं, धान लेते हैं और मूंग लेते हैं, ये 3 फसल लेते हैं। आप बीना से आए हैं और आप मूल रूप से ये जो खेती का काम है उसकी मजदूरी करने आए हैं। दादा क्या नाम है आपका? नथु बाबू, आप बीना से आए हैं? हाँ, बीना से। और क्या मजदूरी करने आए हैं? मजदूरी कर, अपने साथी लोगों को लेके? 7 लोगों, दो और लोग भी हैं आपके साथ। अब ये बताइए, एक तरफ मामा है, आप लोग शिवराज जी को मामा कहते हो ना, और एक तरफ कमलनाथ, तो आपको वो पार्टी छोड़ दीजिए, मामा और कमलनाथ में किसको चुन रहे हैं? नहीं, हालांकि ये आपको बताना हो तो बताइए, लेकिन हम पार्टी की बात नहीं कर रहे, मामा और कमलनाथ जी में आओ, तो आपको, क्योंकि मामा के यहाँ सुनते हैं मामी भी एक्टिव रहती हैं। आप क्या, हम नहीं कह सकते, वोट देते हैं कि नहीं? वोट देते हैं? हाँ, वोट तो हम देते हैं। तो किसको देते हैं? हम देते हैं ये पंजाब वाला। ठीक है, अब मैं जरा संतोष जी एक और, आप जो पूछ रहे कि तुम्हारे लाने कीने सबसे ज्यादा काम करो, इनका जो मैं फिर से पूछ लूं, हाँ आप कि मामा जी में और कमलनाथ जी ज्यादा काम कौन करता है? ज्यादा काम, अब काम तो जे हम सुनते हैं थोड़े, नहीं अब इनको बताने दी। अजय पाप जी का, कमलनाथ मामा, मामा मामा जी, हाँ शिवराज, हाँ वही तो है मुख्यमंत्री है 17-18 साल, हाँ 17-18 साल। लाडली बहना आपके जो साथ में लोग आए हैं, हाँ इनको लाडली बहना का मिल रहा है पैसा? ऐसा बिल्कुल, हर महीना पैसा। कितना? 1201,000 सबको मिलता है? सबको मिलता है, खाते में आ जाता है। कब से शुरू हुआ जी? अब 2-3 महीना हो गया। तो इलेक्शन के बाद मान लीजिए बंद कर देंगे?
दो तीन महीना के बाद अभी डाले, अब इसके बाद चाहे बंद कर दे हो चाहे वो अड्डा रहे। 10 तारीख को डालेंगे। हाँ, वो 10 तारीख को डालेंगे। 3 महीने वोट। अच्छा, हर महीने की 10 तारीख। 3 महीना डालेंगे। 3 महीने से शुरू किस्तें। संतोष जी, मैं थोड़ा आप, क्योंकि आप यहाँ के लोकल हैं, मुझे एक चीज और बताइए, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों के बीच में हरदम चुनाव होता है, तो जो पुराने आपके विधायक थे यहाँ पे, जो भारतीय जनता पार्टी के थे, क्योंकि डॉक्टर चौधरी तो पहले कांग्रेस में थे, फिर सिंधिया जी के साथ चले गए भाजपा में, और वहां मंत्री भी बने हैं, शायद अभी मंत्री भी हैं अगर मैं गलत नहीं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, मतलब बड़ा पोर्टफोलियो है। हाँ, मुझे बताइए, जो बीजेपी के पुराने हैं, सेजवाल साहब हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ, डॉक्टर सेजवाल, वो क्या कर रहे हैं इस चुनाव में? अभी तो उनका कुछ ऐसा नहीं है देखा कि, वो तो अपने हिसाब से अपने घर ही रहे, ना उनने वो ऐसा कोई कहा किसी से आगे कि क्या करना है उनको, ना समर्थन कर रहा है ना विरोध कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, वो तो बीजेपी के हैं, बीजेपी के साथ ही खड़े हैं अभी भी। अच्छा, उस मीटिंग में आते हैं जब बीजेपी की मीटिंग होती है तो आ जाते हैं, लेकिन ज्यादा एक्टिव नहीं? ज्यादा एक्टिव नहीं है वो तो, मतलब अगले चुनाव से थोड़े ठंडे से पड़े हैं मतलब, मगर है बीजेपी के साथ वो। ठीक है, तो आप लोगों को क्या लगता है? नीरज जी मेरे साथ हैं, ये सब लोग पढ़े लिखे नौजवान लोग हैं, तो एक अच्छी बात यहाँ की ये है कि मतलब समृद्ध इलाका है, जागरूक इलाका है, और इतना खुशहाल है कि बाहर से लोग आके यहाँ मजदूरी कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए रोजगार है खूब मध्य प्रदेश में? खूब तो है। खूब है? खूब। अच्छा, रोजगार की दिक्कत नहीं है? जो काम करना चाहे जी। तो जो हल्ला मचता है कि रोजगार नहीं सब बेकार बात है, अरे जो पढ़ेगा लिखेगा वो तो रोजगार करेगा, जो पढ़ेगा ही नहीं तो उसे कहाँ से रोजगार मिलेगा। अरे लेकिन हल्ला तो मचाते हैं कि मचाते हैं। अच्छा, लेकिन आपके हिसाब से रोजगार पूरा है? चलिए, नीलेश हैं आप? जी, नीलेश हैं। नीलेश, आप यहीं के रहने वाले हैं, सांची के? इसी गाँव के। और आप क्या किसानी करते हैं? जी, किसानी करते हैं जी। तो इस बार हवा किसकी है? बीजेपी की। बीजेपी की है, तो कोई चांस नहीं है दूसरी पार्टी का? और अगर सेजवाल साहब आ जाते कांग्रेस से? नहीं, नहीं, अगर आ जाते तो नहीं आए। और मामा जी की क्या हाल है? मामा जी दें। तो मामा को तो चीफ मिनिस्टर बनाएंगे नहीं? अब वो उनका किस्मत है जी को छोड़ के। मोदी जी और राहुल गांधी में कौन पसंद है ज्यादा? मोदी जी। मोदी ज्यादा पसंद क्यों? राहुल गांधी क्यों नहीं पसंद? नहीं तो वही नहीं, अपन प्यार पार्टी बीजेपी प्यार सही है। अच्छा, जो बीजेपी का है वो पसंद, पार्टी से मतलब नहीं? अरे मतलब व्यक्ति से मतलब नहीं। चलिए ठीक है, मैं इसके बाद हम लोग पंकज जी मुझे एक आध जगह और ले जाएंगे, लेकिन जो ग्राउंड पे है वहां पे मामा जी ज्यादा, मामा जी मतलब शिवराज सिंह चौहान साहब, उनका नाम बहुत है। उन्होंने एक और योजना शुरू की, उन्होंने तीन महीने से ये जो लाडली बहना योजना है उसका इफेक्ट दिखाई दे रहा है। और पंकज जी, एक अंतिम सवाल, 3 महीना पहले जब लाडली बहना नहीं शुरू हुई थी तो बीजेपी की स्थिति उतनी अच्छी थी? बीजेपी की थोड़ी सी नाराजगी का मामला था, लोगों में नाराज जो लगता था ऐसा सर्वे वर्वे बताते थे, तो उससे कहीं ना पिछले तीन चार महीने ने पार्टी में और मामा ने संगठन ने बहुत जोरों से काम कराया, तो उसके परिणाम बहुत आगे निकल गए। 5-6 महीने पहले लोग लगता था कि कांग्रेस में प्रयास मन बनता था आदमी का, लेकिन उनके आपसी विवाद, अलग अलग बयानबाजी, वो सब एक कहीं ना कहीं उनको पीछे फिर से बहुत पीछे ले जाएगी। उस वजह से कि लाडली बहना जो धरातल पे काम, वो मजबूत पक्ष रहा, वो मजबूत पक्ष रहा। चलिए, तो भाई शिवराज सिंह चौहान जी की लाडली बहना योजना, अगर वापस बीजेपी आती है तो उसका एक बड़ा रोल होगा लाडली बहना योजना का जीतने का, और शायद तब सिलेंडर 450 अभी शुरू हुआ कि नहीं? हो गया, हो गया। 450 वो कितने दिन से हुआ? वो लाडली में मतलब ये दो में दूसरा वाला महीना है। लेकिन आपको कभी नहीं लगता है कि 18 साल से 450 नहीं किया, इलेक्शन आ गया तो 450? इलेक्शन नहीं, समस्याएं थी, कोरोना सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी समस्या, अपने देश की नहीं था, प्रदेश की नहीं था, वो ठीक है, दुनिया की बड़ी। नहीं, मैं उसको नहीं कह रहा हूँ, 450 रुपए अगर आज कर सकते थे तो कोरोना तो खत्म हुए आज 3 साल हो गए, 2 साल हो गए, कर सकते थे करा, लेकिन व्यवस्थाओं के हिसाब से काम करना बड़ी जिम्मेदारी है। हो सकता है कल फिर से 450 से पुराना वापस रेट हो, अभी होने, ये तो अब ये तो फिर विकास के लिए भी तो पैसा लाना तो पड़ेगा कहीं ना कहीं से। अरे उधार लेंगे ही, आप लोग उधार लेने में मध्य प्रदेश बहुत आगे है। उधार ले रहा है लेकिन दिख रहा है, उधार लेके घर नहीं रख रहे, जमीन पे दिख रहा है पैसा, उधार वापस भी तो करना होता है, इसीलिए तो बढ़ाना पड़ रहा है ना, वो भी बात है, इसीलिए बढ़ाने का कारण भी तो वही है ना। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी, आप सब लोगों का,
वही बातचीत करने के लिए धन्यवाद।